सोच रहे हैं अल्लाह आप सबको अपनी जुबान में रखे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं करने जा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर। तो इस हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं आठ हॉस्टल्स हैं। इसके अलावा जो इधर हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के आउटसाइड भी है एक यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल। तो यूनिवर्सिटी सिटी के ऐसे कह लें बिल्कुल साइड पर है। तो मतलब सिटी के अंदर नहीं, सिटी से थोड़ा साइड पे, जंगल साइड पे। इसके थोड़े बहुत हॉस्टल भी हैं जो बिल्कुल जंगल के अंदर हैं। हम जब शुरू में आए थे तो हमें हॉस्टल बिल्कुल जंगल के अंदर ही मिला था। तो वहाँ पे ना कोई शॉप थी ना कुछ था। तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ वे ये यूनिवर्सिटी हमारी, ये सारा एरिया ना यूनिवर्सिटी का है। और इसके साथ ही ये वाला एरिया जो है ना, ये सारा हॉस्पिटल का एरिया है। तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर आ चुका हूँ। तो जैसे हम इंटर होते हैं यहाँ पे साइट में देख सकते हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी है। और साथ में यहाँ पे वो लगा होती है वाश, जब को टाइम बताती रहती है। जैसे आप स्टार्ट में यहाँ पे हमारी वो है, क्या कहते हैं, कैंटीन। दिस इज़ द कैंटीन ऑफ द यूनिवर्सिटी। और वो यहाँ पे ऑडिटोरियम है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं, स्टूडेंट वगैरह बैठ सकते हैं यहाँ पे, इंजॉय कर सकते हैं। एंड ये वो ऑडिटोरियम का सेकंड डोर है। जब हमारी डिग्री फिनिश होगी तो हम ये वो इवेंट वगैरह फंक्शन के लिए करते हैं। वैसे भी यहाँ पे होते रहते फंक्शन, लेकिन पाकिस्तानी के मुकाबले यहाँ पे कम होते हैं। और ये साथ में वो प्रिंटिंग हॉल है। प्रिंटिंग हॉल के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो पहले इंटरनेशनल ऑफिस था, लेकिन अब यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। अब उन्होंने चेंज कर दिया इंटरनेशनल ऑफिस। तो मैं फिर आज आपको पूरी यूनिवर्सिटी घुमाता हूँ, बिकॉज क्योंकि आज मुझे मुश्किल से टाइम मिला है, सो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। ये फिर यहाँ पे वॉच खड़ी है। उसके अलावा जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, मैं बोलता पहले यहाँ पे जूनियर की क्लास होती थी, अब वो नहीं है, यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो जैसे हम जाते हैं यहाँ पर, इसके तीन फ्लोर हैं, तो यहाँ पर होती है हमारी क्लास इस रूम के अंदर अक्सर ही। तो यहाँ से आप एक लुक बहुत ही प्यारा नज़र आता है यार। यहाँ पे होती थी पहले हमारी क्लास, अब यहाँ पे हमारी क्लास जो है नहीं होती। यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह भी लगा हुआ है पढ़ाने के लिए। और मतलब देख सकते हैं इतनी होती है क्लास। फिर हमने इससे ज़्यादा नहीं, लाइट ऑफ करते हैं देन गो। उसके अलावा यहाँ पे भी और भी काफ़ी सारे हैं यार। लेट मी सोच रहा हूँ कहाँ से एक्सप्लेन करूँ यार, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये मुझे अलाउ करते नहीं हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे मौनू है, तो मैंने उसे कहा कि मैंने सिर्फ एक मिनट वीडियो बनानी है, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ से चले जाना है। तो यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, मैं कौन कौन सी जगह को एक्सप्लेन करूँगा यार बहुत कम टाइम में। तो जैसे अब यहाँ से जाते हैं वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़िट है। और यहाँ पर एक ऐसा टीचर भी है जो मेरा फेवरेट टीचर है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंट टीचर्स के रूम वगैरह जो भी रिसेंटली क्या कह सकते हैं वहाँ पे भी ऑफ हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी चलते हैं यहाँ से हम वापस अपने उसकी तरफ, वो क्या कहते हैं, वापस चलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वाला फिर ज़्यादा मसला ना कर देना कि ज़्यादा वीडियो क्यों बना रहा है। हाँ, तो ये थी हमारी अलग यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा ऐसे कह लें पॉइंट, एक व्यू, पॉइंट व्यू नहीं अकेला व्यू भाई। तो यहाँ से फिर हम नीचे जा सकते हैं, और अगर हम यहाँ से जाएंगे फिर हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे यूनिवर्सिटी के सेकंड डोर से। और यहाँ से आप देख सकते हैं पॉइंट व्यू, एक पॉइंट व्यू अकेला व्यू कहना होता भाई। तो अब मैं चलता हूँ वापस। तो ये थी, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे ये भी दफ्तर है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ना क्लासेस कम, क्लासेस के रूम वगैरह कम में देखा जाए तो यहाँ पे स्टाफ के जो है ना वो ज़्यादा हैं थोड़े बहुत, रूम वगैरह मतलब टीचर्स के और इस तरह के वो थोड़े ज़्यादा ही हैं यहाँ। और इसके अलावा ये भी यहाँ पे क्वीन का ऑफिस ही है, और यहाँ से ये बाहर का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं आपको यूनिवर्सिटी ये वाली इतनी ही दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा और नहीं दिखा सकता, बिकॉज यहाँ पर फिर मसला बन जाएगा। तो यहाँ से अब जाते हैं सीढ़ियों से हम वापस। हाँ भाई,
तो ये भी वैसे इनके ऑफिस ही हैं थोड़े बहुत, दोनों यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह खड़े रहते हैं। अब चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ वापस। कैंटीन वगैरह थी ऑफ, लेकिन ये बच्चा बल्कि मेरा दोस्त मुझे होता है इसमें शुमा चाहिए जवादीना शख्स खैली खूब है। तो अब मैंने यहाँ से कॉफ़ी ले ली है, तो कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद चलते हैं अपने हॉस्टल वापस। और वैसे यूनिवर्सिटी का आज वीकेंड था तो, लेकिन मैंने फिर भी कॉफ़ी ले ली है। तो जैसे मैं बाहर निकला यहाँ पे तो बारिश होना स्टार्ट हो गई यार। वैसे वेदर बता भी रहा था कि यहाँ पे आज ना होगी कुछ मौसम ना इस तरह का था आज, वैसे लग भी रहा था। खैर तो ये देखें बराबर स्टार्ट हो चुकी यहाँ पे। तो ये यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस का सेकंड और है जहाँ से हम यहाँ से भी इंटर हो सकते हैं। ये ऐसे कहने बिल्कुल ही लाइब्रेरी के सामने की जो डोर आपको नज़र आ गया ना, वो ऐसे कहने यूनिवर्सिटी का सेकंड एंट्रेंस का डोर है। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये है हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और इसके अलावा मेस बिल्डिंग के इसके अंदर है। चलो ये पहले चीज फेंकते हैं, फेंक जा भाई। तो आपको जो मेरे पीछे नज़र आ रही है अभी तो फिलहाल दरख्त नज़र आ रहे हैं, तो इसके पीछे ये जो नज़र आ रही है इसमें बूफे भी है, बूफे मतलब कैंटीन भी है, कैंटीन के अलावा इसके अंदर लाइब्रेरी भी है, मेस बिल्डिंग भी है। तो अभी तो मेस बिल्डिंग इसीलिए कट ऑफ है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब हो रहे हैं एग्ज़ाम। तो जब जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं ना, तो ये फिर फूड हॉस्टल के अंदर ही प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये बच्चों की थोड़ी बहुत केयर करते हैं। वैसे ईरान में फूड ऑफ भी होती है, मतलब ऐसे कह लें कि जुम्मे वाले दिन हमें फूड नहीं मिलती, जो यूनिवर्सिटी की फूड यूज़ करते हैं ना उनको जुम्मे की नहीं मिलती क्योंकि जुम्मे को फूड ऑफ होती है। तो आप जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन्होंने जुम्मे को भी ऑन की हुई है, तो ये जुम्मे की भी फूड देते हैं। और आज वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना जो रूम्स हैं ना, उन रूम के अंदर ये लाइब्रेरी है सेकेंड फ्लोर से, ये लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में अभी भी रूम्स ओपन हैं। ये ओपन रहेंगे 7 बजे तक, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगी। वैसे यूनिवर्सिटी का जो ऑफ डे था लेकिन एग्ज़ाम की वजह से उन्होंने लाइब्रेरी को यहाँ पे ओपन रखा हुआ है। और यहाँ पे बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन एक अच्छा जो है वो पॉइंट भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही कमाल का वेदर है यहाँ पे। और यहाँ पे सामने जाना ये बिल्कुल एक कार पार्किंग है मतलब स्टाफ वगैरह के लिए, तो लाइक से जैसे बर्फबारी है तो ये यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ईरान के थोड़े बहुत यहाँ पे ये फजूल ऐसे के जंगल वगैरह टाइप है। इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे ना हमारे पास वो है एक बाग है, थोड़े बहुत सेब हैं, सेब के अलावा अखरोट भी होते हैं, अखरोट के अलावा यहाँ पे। तो फ्री की चीज़ पाकिस्तानी तो छोड़ते नहीं है, काफ़ी मज़े करते हैं हम जब यहाँ पे फ्रूट वगैरह पक जाते हैं तैयार हो जाते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। फ्री की चीज़ है भाई, हमें क्या, हम तो खाते हैं इंजॉय करते हैं। हम तो 5-5 kg के सफ़र में एक साल लेके आते हैं थैले में फ्रूट वगैरह, जब सेब थे हम तो मतलब 5 kg सेब लेते थे थैले के अंदर, तो वाटर में ऐसे देख रहा होता है कुछ शर्म भी नहीं आती। फ्री की चीज़ है यार, यूनिवर्सिटी को पे भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में थोड़ी मना करती है कि क्यों खा रहे, तो फिर इंजॉय करते हैं। वैसे देख लें आज वेदर बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का। तो मैं जाऊंगा उस साइड पे, उस साइड मैंने लेनी थोड़ी बहुत पिक्स थंबनेल के लिए, समझा करें यार। तो उसके बाद चलता हूँ हॉस्टल वापस। अभी ये मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया यूनिवर्सिटी को, इतना बता दूँ मैंने सिर्फ जस्ट 15% या 20% यूनिवर्सिटी को कवरअप किया है, बाकी मैं कवरअप करूँगा लेकिन बाकी व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि एक ही व्लॉग के अंदर मैं पूरी यूनिवर्सिटी को कवरअप नहीं कर सकता। इसमें डिफरेंट हॉस्टल्स हैं, जिम भी है, तो एक नेक्स्ट व्लॉग में जिम का भी एक बनाऊँगा और जिम के अलावा हॉस्टल का भी एक बनाऊँगा, वो भी नहीं बनाया। फिर मैं आपको दिखाऊँगा अराग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और अराग यूनिवर्सिटी की जिम। तो अब जल्दी यहाँ से लेते हैं थोड़ी बहुत फोटो, देन चलते हैं हॉस्टल वापस। ये जिम के सामने की सामने का एरिया है, मैं फिर किसी व्लॉग में ना आपको जिम का एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा, फिर उसमें आपको दिखाऊंगा
ईरान के अंदर ईरान यूनिवर्सिटी का जिम, बल्कि हमारी इराक यूनिवर्सिटी का, रहन कभी नहीं। तो यहाँ से फ़ोटो अच्छे नहीं आ रहे, मैं जाता हूँ पर वहाँ से लेते हैं फोटो। सामने हॉस्टल जो ना आपको नज़र आ रहा है, वो भी गर्ल्स हॉस्टल है खब गए मजुमा, और वो जो है वो है खब गए रिहाना। ये यूनिवर्सिटी का एक जिम वाली साइड से एक व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये वैसे जिम में कुछ बंदे जा भी रहे हैं जिम में। ये पूरी बिल्डिंग आपको जो नज़र आ रही है जिम की है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है ये सारी, और वहाँ पे ये जो नज़र आ रही है हमारा हॉस्टल है। हमारा इतनी फिलहाल नहीं रहता मैं इसमें। और यहाँ पे मौसम चेक करें भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ना सारी धुंध। वैसे मुझे लग रहा है अब ना बर्फबारी होगी इंशाल्लाह, अब हमारे ख्वाब पूरे होंगे लोगों के भाई। मतलब हम बनाना चाहिए स्नोफॉल के व्लॉग, मुझे लग रहा है शायद हम स्नोफॉल के व्लॉग हम बना सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे हो चुकी है बर्फबारी, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तब चलते हैं अपने हॉस्टल वापस, क्योंकि यहाँ पर मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर ठंड भी काफ़ी पड़ चुकी है यार, तो यहाँ पर मुझसे रहा नहीं जाता। ईगल हमारे रहने काबिल ना है अब। Now let's go to our hostel back। तो रास्ते में अगर कोई और न्यू चीज़ आती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। बल्कि हाँ, एक और न्यू चीज़ आ भी गई है, नामले और शीतान हाजिर, वो बल्कि यूनिवर्सिटी हाजिर। तो न्यू चीज़ क्या है, न्यू चीज़ ये है कि इन्होंने ये पहले हमारे हॉस्टल के आगे पड़े हुए थे, हम कभी कभी बैठ के ना घर वगैरह बात कर लेते थे। अब इन्होंने वो उठा के यहाँ पे बस स्टॉप पे रख दिए भाई, घर अल्लाह के लिए आसानी पैदा कर दी है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो अब मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल वापस। बाकी इसके अलावा इंशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कवर कर दूँगा। यार आप यहाँ का वेदर चेक करें और बादल देखें भाई, बस कितने यहाँ पे बादल वगैरह हैं। और यहाँ पे सामने गर्ल्स हॉस्टल है जिसे हम खब गए रिहाना कहते हैं। ये देखिए, अच्छा भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ ईरान में ना या हमारी यूनिवर्सिटी में इराक में कहें, यहाँ एरियन के पास बहुत ज़्यादा है। ये जितने कंस्ट्रक्शन करें, जितने हॉस्टल्स बने बना सकते हैं। अभी सेंट्रल इन्होंने जो मेरे पीछे आपको हॉस्टल नज़र आ रहे हैं इसे हम कहते हैं खब गए रिहाना। ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये भी इन्होंने अभी कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे। तो ये साथ में इन्होंने वाटर सप्लाई के लिए कुछ इंतजाम किया है, ये सिक्योरिटी ऑफिसेज हैं यहाँ पे। तो मतलब ये सड़क भी इन्होंने अभी बनाई है, इनकी सड़क ऐसे जैसे हाईवे हो पाकिस्तान में, जैसे हाईवे होती है। उसके साथ ही ये सामने आपको पहाड़ वगैरह नज़र आते हैं, और वहाँ पे जो आपको वो नज़र आ रहा है ना एक झंडा सा, बिल्कुल ईरानी झंडा। यहाँ पे हम एक बार गए थे क्योंकि यहाँ पे बाहर थोड़े ऐसा नहीं थे तो मर जाना। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा है हॉस्टल, ये वाला सामने कपल हॉस्टल। मतलब ईरानी को ना MBBS कवर अप करने में ना लग जाते हैं 9 साल, 9 साल के बाद उनको जाकर गवर्नमेंट की जॉब मिलती है। तो मेरे फेस पर वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है बारिश हो रही है। मैं सर्दी से मर चुका हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरी हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी है गाइस। मेरी क्या हालत है, मेरी बहुत ख़राब हो चुकी है गाइस, सर्दी बहुत है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना क्या देखिए क्या बड़े बड़े ठेकेदार कैसे देखें, यहाँ पे बड़ा बाड़ी देखें गाइस, बड़ा बाड़ी नहीं है वैसे, ये इसे कहते हैं बारिश। बारिश गाइस यहाँ पे बारिश देखें कितनी बारिश हो रही है, बारिश। ये आपको व्यू दिखा रहे हैं हमारे हॉस्टल के 5th फ्लोर से, जो कि हमारा खुद का रूम है।